मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक टिकट देने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने टिकट वितरण को लेकर भी अपना बयान दिया है और पुरानी प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने पीसीसी में सुंदरकांड पर भी आपत्ति जताई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। रस्किन की किताब एक है, अनटू दिस लास्ट, और उसी किताब के बुनियाद पे महात्मा गांधी ने सर्वोदय की फिलॉसफी दुनिया को दी थी। अनटू दिस लास्ट में लिखा है रस्किन ने कि अगर आपकी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हो, कितनी छोटी माइनॉरिटी क्यों नहीं हो, मेजोरिटी का अधिकार ये है कि उसको अधिक से अधिक अधिकार दो, ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दें उसको। अगर मध्य प्रदेश में आबादी है 7-8% आबादी है, उस हिसाब से मैंने मांगे हैं टिकट देना चाहिए। जो ट्रेडिशनल तरीका था कांग्रेस पार्टी का सालों से, डिकेड से, कि पहले ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर प्रदेश लेवल, और फिर ICC, हर स्टेज पे नाम आते थे, रिकमेंडेड नाम होते थे, और लोअर बॉडी के खिलाफ अपील करने का अधिकार हर व्यक्ति होता था। ये आज कोई पता नहीं, कॉमन आदमी की बात सुनने वाले नहीं है कोई। स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, जो खास खास लोग हैं, आपके अधिकारी हैं, पद के बाद पद है, ये और इम्पोर्टेंट लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की बात जा सकती है, बाकी आम आदमी की बात नहीं पहुंच सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो पुराना तरीका था उसको अपनाना चाहिए, वही तरीका डेमोक्रेटिक है और वही तरीका पार्टी का। कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत पर अपने घर पे, क्या कह रहा था आपको, ही कैन डू इट। लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस कंग्रेस में स्थापना मूर्ति की है कथा हो या कोई इस तरह का वो